सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आप सबके सामने हम सब सिस्टर विली सैम, सिस्टर मिनी और मैं निशा पीटर, कोऑर्डिनेटर एंड मैरिज काउंसलर ऑफ एडम एंड ईव मैरिज, आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, शांति और आनंद। हम स्त्रियों के लिए, हम पत्नियों के लिए, हम लेडीज के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन में कि अगर हमारा मन जलता है तो हमारी हड्डियाँ सूख जाती है, हमारी हड्डियों पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ये देखने में आता है कि हम स्त्रियाँ बहुत सारी बातों को अपने मन के अंदर ही रहती है, कुटती रहती है, किसी के साथ हम शेयर नहीं कर पाती है, और इस कारण से हमारे मन में भी शांति नहीं रहती और हमारे जीवन में शांति और आनंद नहीं रहता है, और उसका बहुत बुरा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। नीति वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। नीति वचन चैप्टर नंबर 14 के वर्स नंबर 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। अगर हमारा मन कुड़ रहा है, अगर हमारा मन जल रहा है, तो इससे हमारी हड्डियां जल जाएगी। और आगे भी वचन भी इस बात में कहता है कि अगर हमारा मन दुखी रहता तो हमारी आत्मा भी निराश रहती है। ये लिखा है आगे चैप्टर नंबर 15 के वर्स नंबर 13 में कि अगर हमारा मन दुखी है तो हमारी आत्मा भी निराश रहती है। वचन कह रहा है मन हड्डियाँ सूखती है, हड्डियाँ टूट जाती, हड्डियाँ जल जाती, इतना असर पड़ता है अगर हमारा मन अशांत रहता है, अगर हमारे मन में शांति और आनंद नहीं रहता है। और इसके विपरीत अगर हमारा मन आनंदित है तो इसका भी बहुत अच्छा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। इसे भी हम वचन से ही देख सकते हैं। ये लिखा है नीति वचन के चैप्टर नंबर 15 के वर्स नंबर 13 में, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हालेलुया। अगर हमारा मन खुश है तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता छाएगी। और एक बहुत ही उत्तम वचन है जो मुझे बहुत पसंद है, ये लिखा है नीति वचन चैप्टर नंबर 19 के वर्स नंबर 22 में, मन का आनंद अच्छी औषधि है। एक बेस्ट ट्रीटमेंट, एक बेस्ट दवाई, एक बेस्ट औषधि है हमारे लिए मन का आनंद। तो सिस्टर विली सैम और सिस्टर मिनी आज मेरे साथ है। पर्सनली मैंने इन्हें देखा है कि शांति को लेके चलते हैं, आनंद को लेके चलते हैं। तो वो क्या कारण है कि मन में शांति रहती है, आनंद रहता है? पहले मैं सिस्टर विली सैम से बात करना चाहूँगी इस विषय पे कि सिस्टर बड़ा ही बिजी शेड्यूल आपका रहता है। जैसे हम जानते हैं कि आप प्रोफेसर है, आप मोटिवेशनल स्पीकर है, आप पास्टर की वाइफ है, और घर की भी जिम्मेदारी है, दो आपके बच्चे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आपके, हम देखते हैं इस बात को कि आपके जीवन में शांति आप, वो आपके चेहरे से झलकती है कि शांति और आनंद, तो वो कैसे आप कर पाते हैं? ओके, वही जान के तो बहुत खुशी हुई कि चेहरे पे प्रभु का आनंद दिखता है। परमेश्वर ही उसका एकमात्र कारण हो सकता है। जब हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान लेते हैं तो हमारे जीवन में स्वाभाविक होना चाहिए कि हमारे जीवन में खुशी और शांति आए। ना आए तो हमें खोजना चाहिए प्रभु ऐसा क्यों। मेरे जीवन में खुशी और शांति का सबसे मुख्य कारण तो यीशु मसीह का मेरे जीवन में आना था और मेरे जीवन को छूना और स्पर्श करके पूर्ण रूप से बदलना था। परमेश्वर को वचन मलाखाई की किताब दूसरी अध्याय उसकी 5वीं आयत में ऐसे कहता है कि मेरी जो वाचा उनके साथ थी, मैं उसको अपने शब्दों में कहूँगी, मैं चाहूँगी बहन उसको आयत को पढ़ दें, मेरी वाचा उनके साथ जो थी वो जीवन की और शांति की थी। बहुत ही उत्तम वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी। ये परमेश्वर की वाचा है, तो जब मुझे बोध हो गया कि परमेश्वर की वाचा हमारे लिए, हमारे साथ बंधी हुई है और उसने अपने लहू, बेटे के लहू को बहाकर उस वाचा को हमारे साथ बांधी नए नियम में, तो मैंने उसको जिद करके प्रभु से हासिल करने के लिए यत्न करना शुरू किया। प्रभु ये मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, और मैं उसके लिए परमेश्वर के वचन को खोजने लगी, सीखने लगी। फिर हम योना रचित सुसमाचार में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जाने से पहले उसके आखिरी जो शब्द थे और संदेश था अपने शिष्यों के लिए वो यही था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं ऐसी शांति देता हूँ जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती और न ये शांति तुमसे छीनी जा सकती। बिल्कुल सच है, जो शांति प्रभु हमें देता है वो न छीनी जा सकती है और न दुनिया हमें दे सकती है। बहनों, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि शांति के लिए कृपया करके किसी और स्रोत के पास ना जाए, सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता के पास जाए। सृष्टिकर्ता ही हमें पूरा पूरा समझ सकता है, हमारे जो स्वभाव है, हमारे क्या सोच है, हमारी क्या
खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, हम किस चीज़ को कैसा देखते हैं, ये सब चीज़ सृष्टिकर्ता में बहुत अच्छे से समझता है। और इसलिए हमें चाहिए कि उसकी उस अपार शांति से भरपूर हो जाए। उसके लिए और किसी चीज़ को, वस्तु को हम ना ढूंढें जिससे हमें शांति मिले, इसे मनुष्य की ओर ना देखें। मनुष्य खुद पापी है, टूटा हुआ है हर एक जन, और खुद जूझता है। जब हम अपने हम उसके और किसी भी इंसान की ओर देखने लगते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो बच्चे हो या हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हमें सच्ची शांति और खुशी और आनंद नहीं दे सकेगा। यूहन्ना में हम और भी देखते हैं, 20वें अध्याय में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र किया। दूसरा जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाहट आया, पवित्र आत्मा जो खुद सहायक के रूप में मेरे जीवन में जब मेरे ऊपर आके उतरा वो, और हम देखते पवित्र आत्मा का फल जो है वो शांति, प्रेम और आनंद, शांति, प्रेम और आनंद, लव, जॉय, पीस, राइट। और ये तीनों चीज़ एक बहन के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तीनों की खोज में एक बहन हमेशा परेशान हो सकती है, तकलीफ उठा सकती है, दर्द को सह सकती है, लेकिन उसके लिए किसी और के पास कृपया करके ना जाए या किसी और पे अपनी उम्मीद को ना रखे। ये मेरे नम्र निवेदन है, यीशु मसीह की ओर देखे, पवित्र आत्मा जो सहायक है उससे मदद को मांगे। वो बहुत ऐसे आपके हृदय को छुएगा, शांति से भरेगा, प्रेम से भरेगा और आनंद से भरेगा। और मैं अब चाहूँगी कि मेरी बहन भी बांटे उनके खुशी और शांति का क्या राज हो सकता है। जब आनंद के विषय, आनंद शब्द मेरे लिए ऐसा सोचती हूँ कि वो केक के ऊपर आइसिंग नहीं है, वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है ना। और जब ज़रूरी है तो ऐसा लगता है कि ये हमें होना ही है, और हमें अगर होना है तो ये हमारा चुनाव है, मतलब हमारा चॉइस है कि हमें आनंदित रहना है। और हम कैसे आनंदित रहेंगे, जिस सिस्टर ने बोला कहीं वचन में ऐसा लिखा है कि अपने सृष्टिकर्ता में आनंदित रहो, क्योंकि उसने हमें जो सृष्टि की है हम उसमें ही आनंदित रह सकते हैं, वचन में लिखा। और मुझे जो वचन छूते हैं वो एक भजन संहिता 16:1 जगह लिखा है कि क्योंकि मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, हालेलुया, इसलिए मेरा हृदय आनंदित है। एक वो वचन है। उसके बाद में एक और आगे, उसके आगे ही लिखा है कि जब मैं उसके प्रेजेंस में जाता हूँ तो मुझे आनंद की भरपूरी होती है। और प्रभु निरंतर हर दिन, और हर दिन का हमारा चुनाव है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि हमें परेशानी नहीं आएगी, ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि जहाँ हमारा आनंद छिन जाए, ऐसा नहीं है। वो होगा, हमेशा होगा, हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन हमें उसको फेस करना है और फिर आनंदित होना हमारा चुनाव है। कैसे होंगे, प्रभु की सामर्थ से, वचनों को लेकर, वचन में लिखा है। और ऐसी कोई बात वचन में नहीं लिखी जो कि हम नहीं कर सकते। हमारा प्रभु कुछ भी ऐसा नहीं बोलता, वो बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, बोलता है यानी कि हम उसको कर सकते हैं, वही हमें प्रभु करने के लिए बोलता है जो हम कर सकते हैं। तो हर दिन हमें ये निर्णय लेना ज़रूरी है, चुनाव करना ज़रूरी है, हर दिन हमें उसमें आनंद होना है। और स्रोत तो यीशु मसीह है, और अगर हम आनंदित होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास भी हम आनंद को ही प्रोड्यूस करेंगे, आनंद ही देंगे अगलों को भी, और सकते हैं हमारे कारण अगले भी आनंदित होंगे। कि जो दोनों सिस्टर्स मेरे साथ है, जवान बच्चों की माता हैं, सिस्टर के बेटे की एज 25, बेटी की एज, बेटे जो उनका बेटा है 25 ईयर्स का है, सिस्टर मीनी की बेटी की एज 16 ईयर्स का, दोनों जवान बच्चों की माता हैं, पर देखिए हालेलुया, चेहरे से उम्र नहीं आनंद और शांति झलकती है, हालेलुया। सिस्टर मिनी को मैं पर्सनली 6 या 7 ईयर से मैं जानती हूँ। एडम एनी मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने से पहले इन्हीं के स्कूल में मैंने 4 ईयर्स जॉब किया है, तो मैंने पर्सनली इन्हें देखा है कि हाँ सही में, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने पे ही कि शांति और आनंद नहीं, महसूस करा है इस बात को। और हमारे पास्टर की वाइफ है, और हमारे चर्च में हम लेडीज़ के लिए वो एज अ लीडर हम लोग को लीड करती है, हम लेडीज़ को, तो हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के जीवन से आप भी आशीषित हो, जो शांति और आनंद की बातें वचनों के द्वारा ये हमसे शेयर कर रही है। प्रिय बहनों, हमारा मकसद केवल इस वीडियो को बनाने का, ये अपनी बातों को, अपने अनुभव को, उन वचनों को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये एक ही है कि जो हमारे पास शांति और आनंद है वो आपको भी मिलने पाए। और जैसा सिसर्स ने आपको बताया है कि वचन और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस बात को पा सकते हैं, हम विश्वास करते हैं कि ये बातें और ये वचन आपके लिए बड़ी ही आशीष का कारण ठहरे। यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से, आमीन।